सका होश में आओ, होश में आओ, जिको मी सका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये म्यूजिक घोटाले में शामिल अधिकारियों को सजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा विरोधी सरकार हेमंत सरकार ने इशारा किया और जेपीएससी में इतना बड़ा धांधली हो गया। आखिर एक कमरे में 48-49 बच्चे पास होते हैं और फिर जब बीजेपी विरोध करती है तो वो फेल करा दिए जाते हैं। तो सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और जो लाखों लाख नौजवान के साथ अन्याय हो रहा है, आग्रह करता हूँ हेमंत सोरेन जी से कि वो अन्याय करना बंद करें। देखिए, कांग्रेस तो कांग्रेस का इतिहास बेईमानों का इतिहास है। कांग्रेस से आप इससे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस में औकात है तो तत्काल प्रभाव से समर्थन वापस लेकर दिखाए। वो कांग्रेस की औकात नहीं है झारखंड में, वो विरोध करने का ढोंग करती है कांग्रेस। सरकार को तो पीछे हटना ही होगा, सरकार को अपने पीछे हटने के लिए विवश करेंगे और इस मामले को हम लोग अंतिम में CBI जाँच की हम लोग मांग करते हैं। अगर सरकार पीछे नहीं हटती, इसकी CBI जाँच होगी। CBI जाँच का मांग को लेकर हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे कि किसने, किन अधिकारियों ने घोटाला किया, कौन से सफेदपोश नेता इसके पीछे हैं, क्यों इतनी बड़ी घोटाले हुए JPSC में और क्यों इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई। और आज हजारों लाखों छात्र रोड पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के साथ रात को 12 बजे छात्रों को उठा लिया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। आज हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही। जब तक सरकार नहीं सुनेगी, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, सदन को हम लोग चलने नहीं देंगे। देखिए, ये काफ़ी शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री और मिथिलेश ठाकुर जी ने दिया है। अपने प्रदेश के छात्रों को बाहरी कहना, भाड़े का कहना, यह दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन का पहचान है। वो छात्र कल खतियान लेकर के मोहराबादी में बैठे हुए थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। किसके साथ आपने अन्याय किया है? यहाँ के आदिवासी के साथ अन्याय किया है, मूलवासी के साथ अन्याय किया है, यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय किया है। पैसा लेकर के बहाली हम लोग नहीं होने देंगे। पद प्रतिष्ठा पावर के आधार पर JPSC में आप बहाल करोगे और हम लोग चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका विरोध पुरजोर तरीका से हम लोग करेंगे। सदन चलेगी या नहीं चलेगी, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। CBI को JPSC से जांच करा दे, सदन चलेगी। अमिताभ चौधरी को बर्खास्त कर दे, सदन चलेगी। परीक्षा रद्द कर दे, सदन चलेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। सरकार अहंकार में है, सरकार गलतफहमी में है। सरकार को इस जनता का और विशेष करके युवाओं के आक्रोश का अंदाजा नहीं है। आधे घंटे के अंदर हजारों युवा रांची के सड़क पर उतर करके इनको आगाह करने का काम किया है। नहीं तो इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी भी अपने को बहुत ताकतवर समझती थी, लेकिन उसको उखाड़ करके ऐसे सत्ता से बाहर किया कि कोई नाम लेवा कांग्रेस का नहीं बचा था। इस सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक काफी है और जनता जो है इसको सबक सिखाने के लिए हमेशा से रेडी तैयार खड़ी है।